हरियाणा में वोटिंग से दो दिन पहले बीजेपी को बड़ा झटका। सिरसा से पूर्व सांसद अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़ी, दोबारा कांग्रेस का हाथ थामा। महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस ज्वाइन करने से दो घंटे पहले तक अशोक तंवर कर रहे थे बीजेपी के पक्ष में प्रचार। दोपहर 1 बजे एक्स पर बीजेपी के पक्ष में डाला था पोस्ट। प्रचार खत्म होने से 3 घंटे पहले पार्टी छोड़ दी। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर सिरसा से सांसद रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, पहले टीएमसी फिर आम आदमी पार्टी से होते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे। अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने पर बोली बीजेपी, तंवर का जाना पार्टी के लिए कोई झटका नहीं। बीजेपी नेता अनिल विज ने अशोक तंवर को कहा प्रवासी पक्षी। हरियाणा में राहुल गांधी का प्रचार, महेंद्रगढ़ में कहा आपने देखा बीजेपी के लोगों ने पहलवानों के साथ क्या किया। मणिपुर जलता रहा, नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं बोले। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की हरियाणा के पलवल में रैली, कहा विनेश फोगाट का सम्मान है लेकिन अब वो कांग्रेस की प्रत्याशी है, मेरे हिसाब से उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के ड्रग्स कनेक्शन की गूंज। कुरुक्षेत्र में बोले योगी आदित्यनाथ, कहा नशे के कारोबारी देश को निगल जाना चाहते हैं। ये आज के महिषासुर। दिल्ली में सोनिया गांधी से कुमारी सैलजा ने मुलाकात की। हरियाणा में प्रचार के आखिरी दिन प्रचार छोड़ दिल्ली आने पर उठे सवाल। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर, 36 बिरादरियों ने तय किया कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। हरियाणा के नूह में बुलडोजर से नोट बरसाने का वीडियो वायरल, फिरोजपुर झुरका सीट से आईएनएलडी उम्मीदवार के कार्यक्रम का ये वीडियो बताया जा रहा है। डेरा प्रमुख राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के बाद आज सिरसा में नाम चर्चा का आयोजन हुआ। सिरसा के निजी पैलेस में हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए डेरा श्रद्धालु। इस बार डेरा सच्चा सौदा का रुख किस पार्टी के साथ होगा, सभी की नजरें टिकी। दिल्ली में बरामद 5,000 करोड़ की ड्रग्स के मामले में आरोपी तुषार गोयल की कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई। आरोपी ने किया यूथ कांग्रेस के आरटीआई प्रमुख के पद पर होने का दावा। ड्रग्स आरोपी के कांग्रेस कनेक्शन पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले मोहब्बत की दुकान नफरत का सामान। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की सफाई, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा तुषार पार्टी से निकाला जा चुका है, पहले यूथ कांग्रेस से जुड़ा था। पंजाब में किसानों ने शुरू किया रेल रोको आंदोलन। लखीमपुर खीरी में किसानों को थार से कुचलने के मामले में कार्रवाई की मांग। शंभू बॉर्डर पर भी रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सवाल, पूछा 29 अगस्त की बैठक में पराली जलाने को लेकर क्यों नहीं हुई चर्चा। दिल्ली में पूर्व सीएम केजरीवाल का घर फाइनल हो गया है। दिल्ली के 5 फिरोजशाह रोड पर रहेंगे केजरीवाल, एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी नए घर में शिफ्ट होंगे। 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड होगा नया पता। ये बंगला सांसद हरभजन सिंह को अलॉट है। भारत के दौरे पर आए जमैका के पीएम एंड्री होलनस को संसद के गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने रोका। सुरक्षाकर्मियों को नहीं थी एंड्री होलनस के संसद विजिट की जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार का अल्पसंख्यक उम्मीदवार वाला दाव, कहा महायुति में एनसीपी को मिली सीटों में 10% होंगे मुस्लिम उम्मीदवार। ईशा फाउंडेशन के आश्रम की तलाशी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, कहा आश्रम में नहीं भेजी जा सकती। इस तरह से पुलिस आश्रम में 2 साध्वियों की तलाश के लिए पहुंचे थे, 150 पुलिसकर्मी। बिहार के ब्रजबिहारी हत्याकांड के आरोपी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद। सूरज भान राजन तिवारी समेत 6 को बरी करने वाला हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जेलों में कैदियों की जाति पूछे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा जेल में दर्ज नहीं होनी चाहिए कैदी की जाति। राज्यों को जेल मैनुअल संशोधित करने के लिए दिया 3 महीने का वक्त।
हाथरस भगदड़ कांड में दाखिल चार्जशीट पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सवाल उठाया, कहा चार्जशीट में 11 सेवादारों का नाम तो भोले बाबा का क्यों नहीं। बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान का बड़ा बयान, बोले नीतीश बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, विरोधी दल भी करेंगे नीतीश को समर्थन।